फ्रेंड्स, एडु विला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 10 की एसएसटी की सामाजिक विज्ञान भूगोल की वर्कशीट नंबर 70। ये वर्कशीट 26/12/2020 के लिए है और ये संसाधन एवं विकास चैप्टर की पुनरावृत्ति है। इसमें हम लोग एक नंबर वाले प्रश्नों को करेंगे जो कि बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, अति लघु उत्तरीय इसको बोलते हैं, और इन प्रश्नों की संख्या 10 है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि प्रश्न एक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव संसाधन है, तो इसमें देखिए धातुएं अजैव संसाधन होगी क्योंकि जैव संसाधन उसे कहते हैं जिसमें कुछ सजीव होते हैं जैसे पशु, मानव, प्राणी जात, ये सब जैव संसाधन में आ जाते हैं, और जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं वे अजैव संसाधन में आती हैं। और उसके बाद है प्रश्न दो है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लैटराइट मृदा के संदर्भ में सही है, तो लैटराइट मृदा के संबंध में उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन का परिणाम हो जाता है जिसके वजह से वो लैटराइट हो जाती है, चाय एवं काजू के लिए उपयुक्त है। और इसका आंसर होगा सभी कथन सही है क्योंकि लैटराइट मृदा के ये सारे गुण होते हैं। और उसके बाद प्रश्न तीन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक डैश हैं। और प्रश्न चार है, रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को पुनः लिखिए, तो काली मृदा चावल की कृषि के लिए उपयुक्त होती है तो इसको सुधार के लिखना है, सत्य और असत्य बनाइए और बताइए। और उसके बाद है प्रश्न छः, कथन और संकल्पना और कारण वाला ये प्रश्न है। और प्रश्न सात है, नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण लिखिए। फिर प्रश्न आठ है, सतत पोषणीय विकास को परिभाषित कीजिए। प्रश्न नौ है, संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है। और प्रश्न दस है, संसाधन से आप क्या समझते हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर 10 प्रश्न हैं और 10 प्रश्न अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, एक नंबर वाले प्रश्न हैं। तो चलिए इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न एक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव संसाधन है, तो इसका उत्तर होगा धातुएं। और प्रश्न दो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लैटराइट मृदा के संदर्भ में सही है, तो हमने पढ़ा है वो तीन ऊपर के तीनों कथन सही हैं, इसलिए चौथा उत्तर होगा उपरोक्त सभी कथन सही हैं। उसके बाद है स्मॉल, प्रश्न थ्री, स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक डैश हैं, तो इसके लेखक हैं ई सुमाकर। और फिर प्रश्न चार है, रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को पुनः लिखिए, तो रेखांकित शब्द है कि काली मृदा चावल की खेती के लिए, यहाँ चावल वो रेखांकित शब्द था, काली मृदा चावल की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो काली मृदा कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। और फिर प्रश्न पांच है, सत्य व असत्य बताइए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है, तो ये सत्य है क्योंकि उत्पत्ति के आधार पर हमने पढ़ा है चैप्टर में कि संसाधनों को दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है, पहला नवीकरणीय और दूसरा होता है अनवीकरणीय। तो इस तरह से उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो प्रकार में विभाजित किया जाता है। और प्रश्न छः है, नीचे दिए गए प्रश्न में दो प्राकथन दिए गए हैं, एक संकल्पना स और दूसरा कारण क, कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ कथन ए है, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं, और कारण आर है, कृषि के गलत तरीकों के कारण मृदा अपरदन होती है। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो मृदा का कटाव एवं उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन क्या कहते हैं, जब मिट्टी बह जाती है, चाहे वो पानी के साथ बह जाए या कभी कभी हवा से भी उड़कर बहती है, तो ये सभी कारण मृदा अपरदन कहलाते हैं। तो कृषि के गलत तरीकों के कारण, अगर मान लीजिए पहाड़ी भूमि है और पहाड़ी भूमि पर आप सीधा सीधा खेत बनाएंगे तो पानी के तेज बहाव के कारण ये मिट्टी बहकर नीचे चली जाएगी, तो इसके लिए क्या किया जाता है कि पहाड़ों पर सीढ़ीनुमा खेत का निर्माण करते हैं, और सीढ़ीनुमा खेत से क्या होता है कि पानी स्थिर रहता है और तेजी से बहकर नीचे की ओर नहीं जाता है। तो इस तरह से यहाँ उत्तर ए होगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। उसके बाद है नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण लिखिए। नवीकरणीय संसाधन क्या है,
वैसा संसाधन जो दोबारा हम प्राप्त कर सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा। हमने अभी आपको बताया है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो भेद होते हैं, दो प्रकार होते हैं, जैसे पहला नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। तो ये नवीकरणीय संसाधन में कौन कौन आ जाते हैं? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, ये सभी नवीकरणीय संसाधन में आते हैं। और अनवीकरणीय संसाधन में कोयला, पेट्रोलियम, ये सभी, डीजल हो गया, किरोसिन, ये सब पेट्रोलियम के अंतर्गत आते हैं। ये सभी अनवीकरणीय संसाधन में आ जाते हैं, क्योंकि इनको दोबारा हम नया नहीं कर सकते हैं, इसमें हजारों वर्षों का समय लगता है बनने में। और सौर ऊर्जा प्रतिदिन सुबह में हमको मिल जाती है। फिर पवन ऊर्जा भी नवीकरणीय संसाधन है। जल विद्युत अगर हम नाम लेते हैं उसका, तो वो भी नवीकरणीय संसाधन है। उसके बाद है प्रश्न आठ है, सतत पोषणीय विकास को परिभाषित कीजिए। तो सतत पोषणीय विकास का मतलब क्या हुआ? पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर किया जाने वाला एक समान विकास सतत पोषणीय विकास कहलाता है। जैसे यहां कहलाता होगा, जैसे आज हम विकास कर रहे हैं, खूब जंगलों को काट रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए जंगल नहीं बचेंगे, पेड़ नहीं बचेंगे, तो उनको सांस लेने में भी दिक्कत होगी। तो इस तरह का विकास सतत पोषणीय विकास नहीं कहलाएगा। हम विकास करते हुए जंगल की मात्राओं को सही रखें, जो पेट्रोलियम मिलता है उसको भी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा के रखें, इस सब प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए अगर हम विकास करते हैं, तो यह विकास सतत पोषणीय विकास कहलाता है। और उसके बाद है, संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है? संसाधन नियोजन का मतलब होता है सतत पोषणीय विकास तथा संसाधनों के संरक्षण के लिए संसाधन नियोजन आवश्यक है। मतलब कि हमें किस संसाधन का कितना उपयोग करना है, किसका अभी उपयोग करना है और किसका नहीं करना है, इन सब बातों को ध्यान में रखकर हमारा विकास होना चाहिए। जैसे कि हमें पेट्रोलियम का कितना उपयोग करना है, सौर ऊर्जा का कितना उपयोग करना है, पवन ऊर्जा का कितना उपयोग करना है, जल विद्युत ऊर्जा का कितना उपयोग करना है, ये सब सोचकर हम जब चलेंगे और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, तब सतत पोषणीय संसाधन नियोजन कहलाएगा। क्योंकि इससे हम संसाधन को योजना रूपी योजना बनाकर खर्च कर रहे हैं, अनियंत्रित रूप में इसको खर्च नहीं कर रहे हैं, हम ऐसा मान रहे हैं कि इसको अगली पीढ़ी के लिए भी हमें बचाकर रखना है, यही प्रक्रिया संसाधन नियोजन कहलाती है। और उसके बाद है, संसाधन से आप क्या समझते हैं? तो संसाधन कोई भी वस्तु जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करती है, उसे हम संसाधन कहते हैं। जैसे जल, मिट्टी, मानव, घर आदि। यहाँ जल, मानव को जल की भी आवश्यकता है, मानव को मिट्टी की भी आवश्यकता है, मानव को अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए मानव की भी आवश्यकता है, तो मानव भी एक संसाधन है। इससे पहले आपने देखा होगा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय नाम रखा गया था शिक्षा विभाग का, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, लेकिन अब इसका नाम शिक्षा विभाग कर दिया गया है। तो इस तरह से मानव क्या है, मानव मानवों के लिए संसाधन है, तो ये भी संसाधन के नाम में आएगा। और घर, ये सभी संसाधन है जो हमारे उपयोग की चीज़ें हैं। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वीडियो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।